हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग सुबह से नहीं तो शाम से स्टार्ट हो रहा है। यह है शाम का वक्त और मैं किचन में यहाँ पे बना रही हूँ दही भल्ले, दही वड़े जो आप बोलते हो। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन रहे हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैच बना के रखी है, एक पानी में है और एक डाइल्यूट करके जो दही करती हूँ मैं उसमें रखी है। और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं, वो भी बिना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ढेर सारे कमेंट करना, कमेंट पे कमेंट कमेंट की बारिश करना, फिर मैं आपसे रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। खैर मजाक की बात है, आप कमेंट करना, मैं आपसे शेयर करूंगी रेसिपी। उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी तो नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ कि मैं इसे असेंबल कैसे करती हूँ, सर्व कैसे करती हूँ। तो मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें दही भल्ले ले लिए हैं जो कि मैंने पतला वाला जो दही बनाते हैं उसमें पहले रखे थे फूलने के लिए, वो दही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उस पर जो गाढ़ा वाला दही है उसका लेयर लगा दिया। दही में थोड़ा शुगर और थोड़ा सॉल्ट डाल के विस्क करा था और उसे थोड़ा थिक ही रखा था वो दही, और वो डाला उस पर, और उस पर जीरा पाउडर और चाट मसाला डाला, और फिर उसके बाद थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाली जिससे कि अच्छा चटपटा तीखा फ्लेवर आएगा। और ये है जो रेड वाली चटनी है वो इमली की चटनी है, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी ज़रूर, वो मेन इंग्रेडिएंट है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर ग्रीन वाली चटनी और थोड़े से अनार, अनार दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और चाट में अनार डालने से मज़ा भी बहुत आता है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी निकाल के खा लूँ उसमें से, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। जिन्होंने खाए है मेरे हाथ के उनको पता है कि कैसे लगते हैं। तो आप भी ट्राई करना, ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और उन्होंने मुझे सिखाया है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, आप कमेंट्स करना आपको चाहिए तो। बहुत ही ज्यादा इजी है। और हो गया है अब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की सुबह सुबह हम कर रहे हैं पाव भाजी का नाश्ता। मम्मा ने बनाया था अब नाश्ते में पाव भाजी जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी है और हम सबकी फेवरेट है। नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए थे मूवी देखने, बाहर एंजॉय किया अच्छे से फैमिली के साथ। और तब मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि फैमिली के साथ जब होते हैं साथ में तो व्लॉग का ध्यान ही नहीं होता है, सब फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे व्लॉग का ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी शूट करना था। और फिर हम यहाँ पे वापसी के लिए निकल गए हैं घर के लिए, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था, शाम को बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने मम्मा से कहा कि निकालिए फ़ोन अपने बैग से और थोड़ा सा शूट कर लीजिए, थोड़ा हम फ्रेंड्स से शेयर भी करेंगे। तो मम्मा ने ये थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए हैं तो आपसे भी शेयर करेंगे। और घर पे जाके हम बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि है रसमलाई की, और वो टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट हलवाई जैसी रसमलाई हम कैसे बनाते हैं, वो भी घर पे, वो भी बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था रसमलाई की रेसिपी, तो ये हाजिर है आपके सामने। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर मिल्क और उसे मैंने अच्छे से पकाने के लिए छोड़ दिया है, उसमें बॉईल हम अच्छे से आने देंगे। थोड़ा पक जाने के बाद उसके अंदर हम ऐड कर देंगे येलो फूड कलर, थोड़ा सा केसर, इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट। वो डालने के बाद हम उसे पका लेंगे अच्छे से, एकदम हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा पकाना है। ये देखिए इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर लिया था जो मैंने आपको बताया, और उसे मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया बस 10 मिनट। उसके बाद ये सब डालने के बाद बस 10 मिनट मैंने पकाया है और वो डन हो गया है। यहाँ पे है दूसरा 1 लीटर मिल्क जिसे मैं बॉईल आने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे इसे बॉईल आ चुका है, मतलब मैंने टोटल 2 लीटर्स मिल्क लिया है, 2 लीटर, 1 लीटर का मैंने उसे अच्छे से पका के रख दिया, जिसे हम रसमलाई का रस समझ लीजिए आप, जो रबड़ी होती है उसकी, मसाला मिल्क वो रेडी कर लिया है 1 लीटर का। और 1 लीटर का हम बनाएंगे यहाँ पे छेना, उसे फाड़ के हम पनीर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, जैसे बॉईल आए फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने कप में थोड़ा पानी लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी विनेगर और उसे डाइल्यूट कर लूंगी। डायरेक्टली विनेगर भी डाल सकते हो आप, बट आपका विनेगर ज्यादा जाएगा उससे बेटर है आप डाइल्यूट कर लो। तो हम यहाँ पे थोड़ा दूध के जो टेम्परेचर को थोड़ा कम करेंगे, एकदम बॉईल आते साथ आपको उसमें विनेगर नहीं डालना है, थोड़ा फ्लेम ऑफ करके थोड़ा 5 मिनट रुक के इसे थोड़ा चम्मच चलाना है, थोड़ा उसके टेम्परेचर को हमें कम करना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालना है और दूध को फाड़ना है। इसका बेसिकली हमें पनीर बनाना है, यही पनीर जो हम खाते हैं वो यही है सेम। ये आप रख दोगे, अच्छे शेप दे दोगे तो ये आपका पनीर हो जाएगा।
और ये छेना इससे हम बनाएंगे अपने रसगुल्ले। तो हम इसे एक कॉटन के कपड़े में छान लेंगे अच्छे से, और उसे नॉर्मल टैप वाटर से हम वॉश करेंगे ताकि उसके अंदर जो विनेगर है वो पूरा निकल जाए। तो हम इसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे और लपेट के कहीं तो बेचारे को टांग देंगे। हमें इसे आधे घंटे के लिए कहीं तो हैंग करके रखना है ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए उसमें से, ठीक है ना। और अब हम ले लेंगे एक बर्तन, और उसमें मतलब आधा घंटा हो गया है अभी, और बर्तन ले लेके उसमें हम वो निकाल लेंगे जो पनीर हमने बनाया है, और वो अब पनीर हमारा एकदम क्रम्बली जो होगा वैसे होगा। तो हमें उसे अच्छा टेक्सचर देना है, मतलब अच्छे से उसे गूंदना है, मसल मसल के हमें गूंदना है। बड़ा मेहनत का काम है, अभी बहुत मेहनत लगेगी आपको, लेकिन आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। जब मेहनत करोगे तो ही उसका फल मिलेगा, है ना। तो हम उसे अच्छे से गूंदेंगे, जो हमारा पाम होता है, हमारी हथेली, हमें वो यूज करके अच्छे से उसे गूंदना है जब तक कि वो एकदम प्लेन ना हो जाए, मतलब हम हाथ में पकड़े तो उसका अच्छा सा शेप फॉर्म हो। तो हमें उसे अच्छे से गूंदना है। आप देख सकते हो मैं उसे कैसे अच्छे से नीड कर रही हूँ, मुझे 10 से 15 मिनट मुझे लगे। और इसमें आपको ना कोई कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, ना कोई मैदा, ना कोई बेकिंग सोडा, ना कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। बस ये दूध मतलब पनीर, जो छेना होता है पनीर, वही हमें यूज़ करना है। आप देख सकते हो मैंने चेक किया वहाँ पे, और मुझे इसको और थोड़ा 5 मिनट गूंदना था, और फिर मैं इसे छोटे छोटे इसके पार्ट्स कर लूँगी, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, और फिर बाद में उसको गूंदूंगी अच्छे से। गूंदना नहीं मतलब उसके पेड़े बनाना है हमें अच्छे से। यहाँ पे आपको क्रैक हो या तो भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि क्रैक होना नहीं चाहिए, क्रैक रहा फिर भी चलेगा, ये नहीं फटेगा चाशनी में जब आप डालोगे। तो इसके हम अच्छे से गोल हमें करना है और उसका चपटा पेड़ा बनाना है। आप गोल वैसे भी रख सकते हो, बट रसमलाई मुझे चपटी अच्छी लगती है, तो मैं वैसे पेड़े की शेप मैं उसे दे देती हूँ। और साइज यहाँ पे मैंने कोई मेजर करके नहीं लिया है, मैंने अपने अंदाजे से छोटे बड़े कैसे भी लिए, क्योंकि घर में खाने थे तो एकदम परफेक्ट साइज जरूरी नहीं है। वहां पे मैंने ले लिया है कुकर, उसका जो ऊपर का सीटी होता है विसल, वो मैंने निकाला है, और उसमें मैंने ले लिया था 1 कप शुगर और 3 कप्स पानी, मतलब 1 कप शक्कर और 3 कप पानी लेके अच्छे से बॉईल आने देना है। चाशनी नहीं बनानी, बस बॉईल आने देना है। उसके बाद वो खोलते हुए मतलब बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग जो हमारी शुगर सिरप है उसमें ही हमें जो पेड़े हमने बनाए हैं वो डालने हैं। ध्यान रखिए कि वो बॉइलिंग होना चाहिए, पूरा शांत नहीं होना चाहिए, खोलता पानी होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम अपने पेड़े जो है पनीर के वो डाल देंगे और ढक देंगे वो कुकर के ढक्कन को, और 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पे हम उसे पकने छोड़ देंगे। बीच में आप खोल के उल्टी उसको अल्टी पल्टी कर सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो 15 मिनट बाद ये पूरे डबल साइज में हो गए हैं, अच्छे से फूले हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो अब हमारे रसगुल्ले यहाँ पे रेडी है। अब आती है मेन स्टेप, सबसे मेन पॉइंट, जिससे आपकी रसमलाई सेम टू सेम हलवाई की जैसी बनेगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे बर्फ, बर्फ़ की ट्रे, उसको मैंने खाली कर दिया है, और ठंडा ठंडा पानी मैंने उसमें डाल दिया है। तो उसमें हम आप ठंडा पानी ले लेना और बर्फ़ ले लेना। तो यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रसगुल्ले हैं उन्हें हमें ठंडा करना है, उन्हें हमें रूम टेम्परेचर पे से भी ठंडा, पूरा ठंडा कर लेना है। तो हम वो गरम गरम चाशनी में से निकाल लेंगे और उसे बर्फ के पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसमें से जो गरम चाशनी है वो निकाल लेंगे, अपने हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस करेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे ताकि वो ठंडा पानी एब्जॉर्ब करे। फिर वो ठंडे पानी में से भी हम उसे अच्छे से निचोड़ के एक ट्रे में साइड में रखते जाएंगे। आप देखना मैं कैसे कर रही हूँ, और आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करनी है, तो ही आपकी रसमलाई एकदम अच्छी हलवाई की तरह बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सब पूरे ठंडे कर लिए हैं, आप देख सकते हो ठंडे होने के बाद वो ऊपर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो मैंने एक डिश में निकाल रही हूँ, अब उसका टेम्परेचर रिड्यूस करके एक एक करके मैं उसमें निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने सारे निकाल के रख दिए हैं, और फिर वो ठंडे ठंडे रसगुल्ले के ऊपर जब गरम गरम आपका जो मिल्क होता है, मसाला मिल्क जो आप बनाते हो रसमलाई के लिए, वो डालोगे, तो वो जो हमारा पनीर है, जो हमारे रसगुल्ले हैं, वो अच्छे से उस दूध को एब्जॉर्ब करेंगे और फूल के जल्दी से ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हो ये कैसे जल्दी से ऊपर आ गए हैं, मतलब कि इन्होंने अच्छे से वो जो मिल्क है वो चुटकी में एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी रसमलाई एकदम परफेक्टली रेडी है। तो आप इसको रात भर फ्रिज में रखना और खाना, और बाद में ऊपर से आप इस पे केसर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड जो रोज पेटल्स आते हैं वो भी आप डाल सकते हो, और आपकी रसमलाई यहाँ पे हलवाई जैसी सेम टू सेम रेडी हो गई है।
खाइए, एंजॉय करिए और मुझे बताना आपको रेसिपी कैसे लगी। और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करना और डीएम करना और मुझे बताना कि आपने ट्राई किया और आपकी रसमलाई कैसी बनी। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि रसमलाई की रेसिपी आप ज़रूर शेयर करना, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो ये रसमलाई है दूसरे दिन। तो यही तक था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।